तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा जी के द्वारा लोकसभा में जैन समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी संसदीय आचरण को खंडित करने वाली है। पूरी दुनिया में जिसे गंगा की पहचान पवित्रता की है, ऐसे ही जैन समाज की पहचान अहिंसा की है। शायद एक भी क्षेत्र में जैन समाज के लिए दूसरी और कुछ कमी हो सकती है, मगर भोजन के लिए जैन समाज इतना पंक्चुअल, इतना स्पष्ट अपक्ष का त्यागी है कि उनके द्वारा जो की गई टिप्पणी वो किसी भी हिसाब से उचित भी नहीं है। और ऐसे स्थान का उपयोग किसी एक पर्टिकुलर समाज को लेकर गलत तरीके से करना समझ में नहीं आता है। उनके मन में जैन समाज के लिए इतना प्रेजुडाइज माइंड क्यों है? कई एक दो व्यक्ति ने किसी ने ऐसा किया हो, मन इसके हिसाब से पूरे जैन समाज को लेकर के ये बदनाम करना किसी भी हिसाब उचित नहीं है। हम चाहते जैन समाज शांति प्रेमी है, हिंसा प्रेमी है, एग्रेसिव समाज नहीं है, रोड पे आकर के तूफान करने वाला समाज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इतना शालीन समाज, इतना पवित्र समाज, इतना नॉनवेज से दूर रहने वाला समाज, उनके लिए की गई टिप्पणी जल्द से जल्दी वो क्षमा मांग लें और लोकसभा में आने वाले दिनों में किसी भी धर्म के किसी भी व्यवहार को लेकर के टिप्पणी हो। ये तो जैन समाज की बात है, मगर लोकसभा का प्लेटफॉर्म राष्ट्र के लिए होना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, नहीं कि किसी एक कम्युनिटी, एक धर्म के खिलाफ। तो पूरा जैन समाज ये टिप्पणी से बहुत दुखी है, हम आज भी है, पीड़ित भी है। तो माननीय नरेंद्र भाई गृह मंत्री अमित शाह से पूरा जैन समाज विनती करता है कि जल्द से जल्दी इस चीज़ का निराकरण हो। बहुत इतने बड़े प्रॉब्लम है दुनिया में, हिंदुस्तान में भी इतने प्रॉब्लम है, उनको लेकर के कुछ किया होता तो पूरा जैन समाज साथ में होता। तो फिर से मेरी ओर से, जैन समाज की ओर से, जैन संघ की ओर से, चारों फिर का दिगंबर श्वेतांबर मूर्ति पूजन स्थानवासी सभी की ओर से विनती करना चाहता हूँ, ये अभद्र टिप्पणी उनको कैंसिल किया जाए और उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्द आ जाए कि पूरे जैन समाज को शांति हो, हम यही चाहते हैं।